कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ खास फर्क महसूस हुआ नहीं मुझे, तो मैंने कहा ठीक है फिर, जब फर्क ही महसूस नहीं हुआ। जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो ऐसे लिखते हैं कि काल मनुज पे छाता है, जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, है ना। तो वो वाली बात है कि आपके नसीब में होगा और आप में काल छा चुका है तो आपका विवेक मर चुका है, आपको सवेरे और दोपहर के रियाज में फ़र्क ही नहीं मालूम चल रहा है, तो अब वो हम नहीं महसूस करा सकते। मैं आपको चीज़ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपके अंदर नहीं बसा सकता हूँ कि आप मान ही लो मेरी बात। मान तो वो मानना एंड जो है वो आप ही के हाथ में है ना, मैं कितना ही समझा दूँ पर उसको मानना न मानना वो आपके हाथ में। एक ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें रिकॉर्डेड नहीं लाइव क्लासेस होंगी, वन ऑन वन गुरु आपके सामने बैठ के आपको सिखाएंगे। अभी डाउनलोड कीजिए संगीत धारा SPW और सीखिए संगीत प्रवाह वर्ल्ड की पूरी फैकल्टी से संगीत। अब सेकंड आ जाते हैं प्रिकॉशंस पे कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने होते हैं रियाज के दौरान। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि समय, कि वो सवेरे ही होना चाहिए, सनराइज से पहले ही हो तो ही असर करेगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे कोई भी समय मांगते हैं, अल्टरनेट इसका मांगते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि करके देख लो और कंपेयर करके देख लो, करके और कंपेयर दोनों करके देख लो, आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हाँ शाम में और दोपहर का असर तो हो रहा है लेकिन वो वाली बात नहीं है जो सवेरे आती है, है ना। ये मैं नहीं, आप खुद कहेंगे, आप करके देखिए। लेकिन अगर आपको ये लग जाए कि नहीं ऐसा कुछ खास फर्क नहीं है तो आपका नसीब है, आप करके देख लीजिएगा, है ना। कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि हाँ ऐसा कुछ खास फर्क महसूस हुआ नहीं मुझे, तो मैंने कहा ठीक है फिर, जब फर्क ही महसूस नहीं हुआ। जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो ऐसे लिखते हैं कि काल मनुज पे छाता है, जब काल मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, है ना। तो वो वाली बात है कि आपके नसीब में होगा और आप में काल छा चुका है तो आपका विवेक मर चुका है, आपको सवेरे और दोपहर के रियाज में फ़र्क ही नहीं मालूम चल रहा है, तो अब वो हम नहीं महसूस करा सकते। मैं आपको चीज़ सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपके अंदर नहीं बसा सकता हूँ कि आप मान ही लो मेरी बात। मान तो वो मानना एंड जो है वो आप ही के हाथ में है ना, मैं कितना ही समझा दूँ पर उसको मानना न मानना वो आपके हाथ में है। तो खैर, सबसे पहला है कि अर्ली मॉर्निंग में होना चाहिए, सनराइज से पहले होना चाहिए, ये सबसे पहला प्रिकॉशन है। ये प्रिकॉशन के अंदर आ रहा है जबकि आना नहीं चाहिए, पर यह हाँ ये प्रिकॉशन है। उसके बाद दूसरा ये है कैपेसिटी अनुसार होना चाहिए, ये सेकंड प्रिकॉशन आता है इसका, क्षमता अनुसार। आपका गला अभी नया नया है तो ये इतना नहीं झेल पाएगा कि आप लगातार 3 घंटे बैठ गए, जैसे कि मैंने 4 से 7 का समय बताया, ये नहीं होगा। शुरुआत हो सकता है आधा घंटा ही कर पाओ आप, हो सकता है सिर्फ सा लगाना है, सा, तो ये हाफ एन आवर तक ही आप लगाओगे। इसमें सा के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बोलनी होती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो हो सकता है सिर्फ हाफ एन आवर ही कर पाओ शुरुआती दौर में, ठीक है। तो वो चलेगा, उसको एक्सटेंड मत करना ज़बरदस्ती, क्योंकि उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे तो गले की स्ट्रेंथ पड़ेगी, क्योंकि मसल्स हैं ये, इन पे मसल्स पे स्ट्रेन पड़ेगा तो अगले दिन उठने लायक नहीं बचोगे, है ना भाई। जिम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा थोड़ी कि पहले ही दिन आज ही बॉडी बना के निकलूंगा, 8 पैक्स आज ही चाहिए, तो वो एक ही दिन में सारी मशीन्स यूज़ कर ली, सारे उठा लिए डंबल और वो जितना भी खींचा तानी करनी होती सब कर ली, 100-100 किलो के वो उठाने की कोशिश करी, अगले दिन उठने की हालत में नहीं थे, जिम जाने की हालत में नहीं थे, कुछ उठाना दूर की बात है। तो वो ना हो जाए कि वॉक करना शुरू किया है हाल ही में, अभी नया नया जॉगिंग शुरू करी है तो पहले ही दिन 10 किलोमीटर ले लिए ना, तो वो पाँव की फिर ऐसी हालत हुई कि घर पर आके बस पड़ ही गए। तो वो नहीं करेंगे हम कि सवेरे रियाज करने बैठे हैं तो आज ही से घंटा भर ले लें, नहीं घंटा भर नहीं, स्लोली एंड ग्रेजुअली उसको बढ़ाएंगे, इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सेकंड क्या प्रिकॉशन आया, कैपेसिटी अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फिर ये प्रिकॉशन रखिए कि रियाज के दौरान बीच में बोलना या पानी पीने का काम नहीं करना, है ना। जैसे मैंने ये अभी पानी पिया है, ये गर्म पानी था जो मैं बोलते बोलते आपके साथ मैंने किया, ये भी नहीं करना है। गर्म पानी, ठंडा पानी, गुनगुना पानी, चाय, नमक, कॉफ़ी, ये कुछ भी, शराब, इसका किसी का भी सेवन करना नहीं। ये नहीं सोचना कि इससे तो गला गर्म ही हो रहा है ना, नहीं, आदत किसी की भी नहीं डालनी। लोगों की आदत पड़ जाती है गाते गाते पानी पीने की, कि गला सूख रहा है पानी पी लेते हैं, तो क्या होता है फिर वो बगैर पानी कभी गा ही नहीं पाएंगे, है ना। और दूसरा इसका लॉजिक मैं ये साइंटिफिकली देता हूँ, गर्म तवा आपने कभी देखा हो, अभी तवा गर्म किया है, अब उस पर 2 बूंद पानी की छिड़क के देखिएगा, जो हालत उस तवे की होती है वही हालत आपके गले की हो जाती है जब आप रेगुलर बोलते बोलते, बहुत ज़्यादा बोलते बोलते पानी पी लोगे या बहुत ज़्यादा गाते गाते पानी पी लोगे, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक तरह की मशीन है ना। और कैसी मशीन है, ये भी गर्म होती है,
आपने कभी महसूस किया हो, आप रेगुलर एक घंटे तक बोल रहे हैं तो आपका शरीर में अंदर ताप बढ़ जाता है, तापमान बढ़ता है, बढ़ता है, आपने महसूस किया है? ज़्यादा जोर से चिल्लाओगे बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है। तो गाने का भी यही काम है, ये जब रेगुलर घंटे भर ये चलेगा तो इसका तापमान बढ़ता है अंदर, और जब तापमान बढ़ता है तो भले गर्म या ठंडा कैसा भी पानी डालोगे वो फस ऐसा करेगा, बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, गर्म बल्ब पे पानी छिड़क के देख लेना दो बूंदे, वही हालत ये हो जाएगी, फ्यूज़ हो जाएगा ये, बोलने लायक नहीं बचोगे। तो ये एक्सपेरिमेंट मत करना कभी, करके देख लेते हैं कि वह दो बूंद पानी डाल के देखें क्या होता है, वो मत करना, कर भी लेना कुछ नहीं है, असर होगा, दो चार दिन खराब रहेगा, अपने आप मालूम चल जाएगा कि नहीं करना था ये, है ना। तो खैर ये आपका तीसरा प्रिकॉशन है कि वाइल ड्यूरिंग द रियाज या आफ्टर रियाज पानी नहीं पीना। पानी कब पीना है? जब गला नॉर्मल हो जाए, है ना, नॉर्मल हो गया यानी ठंडा हो जाएगा, खुद महसूस हो जाएगा, उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि आधा घंटा, पौन घंटा, सवा घंटा, 15 मिनट, ऐसा कुछ नहीं, डिपेंड करता है कितना रियाज किया है, उस पर निर्भर करेगा कि कितना आपको वॉइस रेस्ट लेना है। अगर मैंने 3 घंटा रियाज किया है तो गला मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है तो उसको ठंडा होने में भी तो टाइम लगेगा, आधा ही घंटा रियाज किया है तो गर्म ही नहीं हुआ तो ठंडा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं। गला गर्म होना, इसे ये जो एक टर्म हम संगीत में इस्तेमाल करते हैं कि गला गर्म ही नहीं हुआ है या गला ज़्यादा गर्म हो गया है, उसका मतलब होता है कि कितना गाया है, है ना, वो भी कैपेसिटी टू कैपेसिटी, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हो सकता है कि आपका गला आधे घंटे में जल्दी गर्म हो जाए और मेरा 2 घंटे में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा कि हाँ चल रहा है अभी, क्योंकि इम्यूनिटी है, कैपेसिटी है, है ना, झेल सकता हूँ मैं क्योंकि रियाज किया हुआ है, ठीक है। तो ये है, खाने पीने का ख्याल रखना है, जो लोग कहते हैं ना कि गाने में खाने पीने का ख्याल रखना होता है, तो गाते या गाने के लिए मिर्ची, ठंडा, खट्टा, मीठा, तीखा, इस सब का ख्याल नहीं रखना है, रियाज के दौरान ख्याल रखना है। जो रियाज के दौरान ख्याल रखता है वो फिर कभी भी कुछ भी खाए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसको मैं यूं कहता हूं कि इम्यूनिटी अगर आपकी स्ट्रांग है, तो अगर ऑलरेडी आपको जुकाम हो रहा है या निमोनिया हो रहा है या ऐसी कोई बीमारी है, बुखार हो रहा है, और अगर मैं आपको कहता हूँ जाओ बारिश में भीग के आओ या ठंडे पानी से नहा लो, तो क्या असर होगा? बीमार हो जाओगे उल्टा। लेकिन यही आप एक नॉर्मल हालत में अगर आप ठंडा पानी पी लो या बारिश में भीग लो, कोई असर नहीं होता है, क्योंकि बॉडी में इतनी तो स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी है ऑलरेडी, है ना। तो यही वाली बात है, अगर शारीरिक कमजोरी है तो चीज़ों का असर बुरा होता है। गला अगर कमज़ोर है तो खट्टे का, मीठे का, तीखे का, चरखे का, है ना, ठंडे का, सबका असर हो जाता है गले पर। पर गला अगर मजबूत है, कितना ही ठंडा पानी पियो कुछ असर नहीं होगा, है ना। कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए गले में, गले को मजबूत बना लो। बॉडी हमारी इम्यून है तो बाहर ही असर ही नहीं होता है, क्योंकि वो एक शील्ड बन जाती है ना, है कि नहीं, प्रोटेक्शन की शील्ड बन जाती है। तो वही चीज़ है, खाने पीने का ख्याल रियाज के दौरान रखिए। ऐसा नहीं कि खाते खाते रियाज कर रहे हैं, वो नहीं करना। खाना पीना कुछ भी नहीं, चाय कॉफ़ी ठंडा कुछ भी नहीं लेना। और क्योंकि सवेरे कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें ऑटोमेटिकली ख्याल रखनी है, पेट साफ है और पेट खाली है, है ना। खाली ये भी नहीं कि एकदम खाली है, एकदम खाली होगा तब भी नहीं गा पाओगे क्योंकि एनर्जी लगती है अंदर से। तो रात में अपना खाना खा के, अच्छा खाना खा के सो, है ना, थोड़ा सा इतना हैवी भी नहीं कि सवेरे एसिडिटी हो रही है गाते समय, वो भी नहीं। इसीलिए सिंगर्स का जो रूटीन होता है खाने का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना। बाकी सारी चीज़ें तो बाद की बात, सबसे पहले उसके खाने का रूटीन प्रॉपर होना चाहिए, उसकी डाइट। अगर वो रात में लेट खाता है तो सवेरे दिक्कत आएगी उठने में, है ना, पेट भर गया है और एक्सरसाइज या वॉक करके सोया नहीं, खाया और बस पड़ गया आलसियों की तरह, और फिर सवेरे उठेगा नहीं, और उठ भी गया तब भी गाते समय एसिडिटी होगी, है कि नहीं, क्योंकि अंदर से आवाज़ आती है ना, ये ऊपर ऊपर का काम नहीं। आपको लग रहा है गाने का काम गले का है, गले का है ही नहीं, ये फेफड़ों तक जाता है और फेफड़े सीधे आपके पेट से कनेक्टेड है, है ना। एनर्जी जब लगती है तो अंदर से लगती है और नीचे से, जिसको हम कहते हैं पेट से गाते हैं, है ना, पेट की गायकी होती है जिसको कहा जाता है, कि गले से मत गाओ, पेट से गाओ, नाभि से गाओ, तो अंदर से पूरा आता है। तो अगर खाके गाने लग गए तो एसिडिटी होगी, उल्टी जैसा होने लगेगा, क्योंकि ये सांस फेंक रहे हो आप इसमें बाहर, है ना, तो वो दिक्कत आएगी, तो वो मत करो, ठीक है। तो खाने पीने का क्या ख्याल और रखो, जब गला ठंडा हो जाए उसके बाद नॉर्मल पानी पी लो, गर्म पी लो भली तो और बढ़िया, थोड़ी सिकाई हो जाएगी गले की, है ना। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो रखने वाली बात होती है। अब एक सवाल बहुत उमूमन आता है कि जब दुरुस्त हैं, जब तबीयत ठीक है तब तो रियाज करना है, जब तबीयत ख़राब है, बीमार हैं, ज़ुकाम है, सर्दी है, खांसी है, क्या तब भी रियाज करना है, है ना। ये एक सवाल आता है और ये भी प्रिकॉशंस के अंदर ही आएगा, जिसका जवाब मैं अभी दे चुका हूँ कि इम्यूनिटी अगर स्ट्रांग है तो करो, नहीं है तो कम करो। सीधी बात, अगर ज़ुकाम है, बोला ही नहीं जा रहा है, तब भी नहीं यार मेरे को तो रियाज करना है, ज़बरदस्ती करने गए, पुश करने गए उसे, तो खराब होने के चांसेस हैं, है ना। तो उतना ही करो जितना कि झेल जाए, सीधी बात है,
है ना, पर बिल्कुल बंद मत करो अगर लग रहा है कि, और वो जुकाम की भी तो स्टेजेस है ना, तो इसका मैं एक आंसर कैसे दे दूं, है ना। एक तो होता है बहुत सीवियर जुकाम है, ऐसा जुकाम जिसमें बुखार मिक्स है, उठा नहीं जा रहा है, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि नहीं तब भी रियाज कर लो, तब भी एक्सरसाइज कर लो। नहीं, जुकाम की भी अलग अलग स्टेजेस हैं। हल्का फुल्का है, खांसी है, जैसे कि खांसी क्या करती है, गाने जाओगे जैसे ही प्रेशर पड़ेगा तुरंत खांसी आने लग जाएगी, है ना। तो ये क्या है, संगीत जो है प्रैक्टिकल विषय, और प्रैक्टिकल विषय के जवाब नहीं होते हैं, अनुभव होते हैं, है ना। ये वाक्य है, ये आप नोट कर सकते हो कि प्रैक्टिकल जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके जवाब नहीं, आंसर्स नहीं, एक्सपीरियंस होते हैं, है ना। क्योंकि मैं जवाब कैसे दे दूं, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है ना, सबकी इम्यूनिटी अलग होती है, सबकी स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई, प्रिकॉशंस हो गए, कब करना है, क्या क्या तकनीकें हैं, वो ख्याल रखना है, वो मैंने अब आपको बता दिया है। अब आते हैं कि रियाज में क्या करना है।